बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। टोलाडेजा ब्रोंकियल ट्री की बात हो रही है, और अब ये कौन सा बचा रह गया? डाडेजा रेस्पिरेटरी ट्री पर, तो आ जाइए रेस्पिरेटरी ट्री पर क्या क्या आएगा। तो डाडेजा रेस्पिरेटरी ट्री की अगर हम बात कर लें, सर वो स्क्रीन पे कुछ और आ रहा है। क्या आ रहा है स्क्रीन पर? देखिए अब आया। यस सर, अब आ गया। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्री की बात करें तो मैंने कहा कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्री की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर आपका आ जाएगा एल्वियोलाई पर। एल्वियोलाई, दिस इज एन एल्वियोलर सैक, जिसका पहले भी मैं बात बता चुका हूं। दिस इज एन एल्वियोलर सैक। यहां तक कहानी को समझ में आ रही है? यस। आगे बढ़ूं? यस सर। अब एक पॉइंट मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि हेडिंग है डाडेजा डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक है, डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है? तो मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ब्रोंकियोल ट्री, यानी किसके अंदर एयर का प्रेजेंट होना? ब्रोंकियोल ट्री के अंदर। ठीक है, मैंने कहा कि इट डू नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेता है, जिसका अमाउंट है तकरीबन 150 ml। तो डेड स्पेस वॉल्यूम समझ में आया नहीं आया? यस सर। जी, तो ये बेसिकली यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। ओके, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। एक तो बात है और भी है, वो भी लिख ही लीजिए। मैंने कहा कि ब्रोंकियोल ट्री हैव कार्टिलेजियस रिंग्स। तो ब्रोंकियोल ट्री के पास क्या प्रेजेंट होंगी? कार्टिलेजियस रिंग्स, व्हाइल एबसेंट इन, ये एबसेंट किस में होगा? व्हाइल एबसेंट इन ब्रोंकियोल ट्री। नहीं, ब्रोंकियोल ट्री क्यों होगा? दैट इज अ रेस्पिरेटरी ट्री होगा। रेस्पिरेटरी ट्री में कार्डिलेजियस रिंग्स एबसेंट होंगी, जबकि ब्रोंकियोल ट्री के अंदर कार्डिलेजियस रिंग्स क्या होंगी? प्रेजेंट। तो यहां पे मैंने लिख दिया प्रेजेंट, यहां पे मैंने लिख दिया एबसेंट। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब तो मैंने कहा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आ जाइए डेट इज एन एक्सटर्नल नोस्टल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया? एक्सटर्नल नोस्टल्स पर।
एक्सटर्नल नोस्टिल्स के बाद आया आपका वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स की अगर बात करें तो ये वही पार्ट है जहां पर आपका हेयर्स थे, यानी हेयर्स थे या नहीं थे, याद है? Yes, sir. हेयर्स, नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं, दैट इज अ वेस्टिब्यूल वाला पार्ट, या फिर म्यूकस भी होता है इसमें, ठीक है? वेस्टिब्यूल के बाद पार्ट की बात करें, वेस्टिब्यूलर पार्ट की बात करें तो ये आ गया, दैट इज अ नेजल चैम्बर, ठीक है? नेजल चैम्बर की बात करें, नेजल चैम्बर के अंदर मेनली म्यूकस होता है। नेजल चैम्बर में क्या प्रेजेंट होगा? म्यूकस, म्यूकस, ठीक है? नेजल चैम्बर के बाद आ जाइए तो इंटरनल नेयर्स। नेयर्स के मायने क्या थे, बताया था मैंने अभी आपको, ओपनिंग, तो दैट इज एन ओपनिंग्स। क्लियर? इंटरनल नेयर्स के बाद में क्या आएगा, तो आ जाएगा नेजोफेरिक्स। फेरिक्स के मायने मैंने क्या बताए थे, फेरिक्स का मतलब आपको थ्रोट, नेजो का मतलब क्या है, दैट इज नोज। यहां तक क्लियर हुई बात? यस। नेजोफेरिक्स के बाद आगे आ जाए तो नेजोफेरिक्स के बाद आ जाएगा फेरिक्स, ठीक है? फेरिक्स के बाद याद होगा आपको, फेरिक्स के बाद क्या आएगा, तो दैट इज अ ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के बाद क्या आएगा, लैरिंग्स, दैट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या आएगा, ट्रेकिया, दैट इज अ ट्रेकिया। क्लियर है? Yes, sir. नहीं है? Yes, sir. अच्छा, यहां से मैंने थोड़ा सा इसको इधर टिल्ट किया है, तो ट्रेकिया के बाद अब अगर देखें आप तो ये हम लंग्स में जा रहे हैं, तो ये बेसिकली एंट्री हुई, दैट इज अ प्राइमरी ब्रोंकाई में। किसमें आया, दैट इज अ प्राइमरी ब्रोंकाई, समझ रहे? प्राइमरी ब्रोंकाई जो है अब लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है। क्लियर है? प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद अगर देखें तो आएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद अगर बात करें तो आ जाइए टर्शरी ब्रोंकाई पर। टर्शरी भी कह सकते हैं या सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कह सकते हैं, ठीक है? कौन कौन सी ब्रोंकाई, कौन सी पहले कौन सी आई, प्राइमरी, फिर आई सेकेंडरी, फिर आई टर्शरी। टर्शरी का दूसरा नाम क्या है, दैट इज अ सेगमेंटल ब्रोंकाई। सेगमेंटल ब्रोंकाई के बाद अगर बात करें, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, हेलो। यस सर। हाँ जी, टर्शरी पर आ गए, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आ जाइए, दैट इज अ टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल, दैट इज टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल, और उसके बाद आ जाइए, दैट इज अ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्लियर है? अब yes, अगर sir. देखा जाए तो यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सब के सब, अगर इनकी सब की बात की जाए तो ये है, दैट इज अ ब्रोंकियल ट्री। ये क्या है, दैट इज अ ब्रोंकियल ट्री, ठीक है? और उसके बाद आ जाइए तो मैंने कहा कि फिर से मैंने एक और अलग बनाया, तो दैट इज अ
रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है ये, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद अगर देखा जाए तो दैट इज एन एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद बात करें तो दैट इज एन एट्रिया, एट्रिया की बाद बात करें तो दिस इज एन एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक के बात करें तो एल्वियोलाई है। और अगर इन सब के बारे में बात की जाए तो ये सब के सब रेस्पिरेटरी ट्री में आएंगे, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर आ जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं? रेस्पिरेटरी ट्री की बात कर लें तो मैंने कहा कि ये रेस्पिरेटरी ट्री गैसियस एक्सचेंज जोन है, दैट इज अ गैसेस एक्सचेंज जोन है ये, समझ रहे हैं? और गैसेस एक्सचेंज जोन है, और आपने पढ़ा होगा कि एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है, यहां पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। तो दिस इज अ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है यहां तक या नहीं है? यस सर। ओके, जरा आगे चलते हैं। एक चीज थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं यहां, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है यहां तक या नहीं? यस सर। यहां पर इनकम्प्लीट सी शेप की सी शेप्ड कार्डिलेजियस रिंग्स होंगी, कार्डिलेजियस रिंग्स होंगी सी शेप की, ठीक है, जो कि हेलाइन कार्डिलेज है, ठीक है, हेलाइन कार्डिलेज है। यहां तक क्लियर हुई बात? यस सर। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहां से अगर मैं पूरा दिखाऊं आपको, तो यहां से लेकर ये पूरा का पूरा जो पार्ट यहां मैंने दिखाया है, ये पूरा पार्ट, ये सब का सब कहलाता है कंडक्टिंग जोन। कौन सा जोन कहलाता है? कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन। यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, कंप्लीट करिए जल्दी से इसको। सर डन। ओके, ये वाला? यस सर। ये भी हो गया, चलिए। यस सर। तो ये नजर आ रहा है, ये जो एक्सचेंज जोन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है? यस सर। तो मैंने कहा कि एक्सचेंज जोन ये एक्चुअल साइट है, एक्चुअल साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। कौन सी साइट है ये, किस तरीके की साइट है? एक्चुअल साइट है जो site. जी जी फॉर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। और कंडक्टिंग साइट भी समझ लीजिए, दैट इज अ क्या हो गया, कंडक्टिंग जोन की भी बात कर लें तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है, क्लीन कर रही है और रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ एयर, ये एयर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहा है। कौन सा पार्ट? कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन।
कंप्लीट हुआ यहाँ तक? यस सर। अगर यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अब हेडिंग लिख लीजिए, डेट इज अ लंग्स। लंग्स का दूसरा नाम है डेट इज अ पल्मोनरी। क्लियर है? पल्मोनरी। यस सर। तो ये बेटा अगले टर्न पे स्टार्ट करेंगे इसको, पल्मोनरी वाले को। ओके सर। ओके, कंप्लीट हो गया सब? हाँ सर, हो गया। ठीक है।